हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, मेकअप इंसान को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर सकता है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ हैरत अंगेज ट्रांसफॉर्मेशंस दिखाऊंगा जो आपको हैरान कर देंगी। मिलिए इस औरत से जो होमलेस है, यानी ये कई सालों से सड़कों पर रह रही है। ये खाना भी कूड़ेदान से उठाकर खाती है। आप इसकी हालत देख सकते हैं, ये शायद कई महीनों से नहाई भी नहीं, लेकिन एक आदमी ने इसकी हालत बदलने का फैसला किया। दोस्तों, सबसे पहले तो इसके बालों को काटा गया जो कि किसी रस्सी की तरह लग रहे थे। इसके बाद इस औरत की स्किन को क्लीन किया गया। आप देख सकते हैं कि मेकअप के बाद तो ये औरत मुकम्मल तौर पर ट्रांसफॉर्म हो गई। आप इसकी पहले वाली हालत देखें और इसको अब देखें। इस औरत को खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये शीशे में किसको देख रही है। दोस्तों, ये आदमी माइकल जैक्सन तो कहीं से नहीं लग रहा, लेकिन ये खुद को मेकअप से माइकल जैक्सन बना देगा। ये वीडियो इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। सबसे पहले तो ये अपने चेहरे की स्किन टोन को माइकल जैक्सन जैसी बना रहा है। उसके बाद बारी आई इसकी आंखों की। दोस्तों, इसने बहुत ही महारत से अपनी आंखों को माइकल जैक्सन जैसा बनाना शुरू कर दिया। ये आदमी टिकटॉक पर वीडियोस बनाता है और वहां इसका नाम गस जैक्सन है। खैर दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसने सिर्फ मेकअप का इस्तेमाल करके खुद को माइकल जैक्सन बना लिया। इंतहाई हैरत अंगेज। दोस्तों, ये मशहूर हॉरर फिल्म जीपर्स क्रीपर्स है। इसमें नजर आने वाला ये खौफनाक करैक्टर, जिसे क्रीपर्स कहते हैं, ये आदमी प्ले करता है। इस एक्टर के चेहरे पर मास्क पहनाना इतना आसान काम नहीं था। आप देख सकते हैं कि इसके चेहरे पर पेंट करना, स्किन टोन को सेट करना और फिर मास्क के छोटे छोटे टुकड़े इसके चेहरे पर लगाना कितना मुश्किल है। फिल्म्स में एक मेकअप आर्टिस्ट का काम इंतहाई मुश्किल होता है। किसी भी इंसान को किसी और करेक्टर में ढालना आसान नहीं है, जैसा कि इस फिल्म में। इसका कहना था कि इसको खुद को ही शीशे में देखकर खौफ आ रहा था। दोस्तों, ये एक फकीर है जो अपना दिन रात सड़क पर बैठकर गुजारता है। आप इसकी हालत देख सकते हैं, ये कई दिनों से नहाया भी नहीं है। लेकिन फिर एक लड़के ने इसको ट्रांसफॉर्म करने का फैसला किया। इसको पहले चाय वगैरह पिलाई गई और फिर बारी आई इसके बालों को वॉश करने की। इसका हेयर कट किया गया और फिर ट्रिमिंग वगैरह के बाद तो ये आदमी पहचाना ही नहीं जा रहा था। दोस्तों, यही नहीं बल्कि इसको नए कपड़े पहनाए गए तो ये आदमी तो मुकम्मल तौर पर चेंज हो गया। इंतहाई हैरत अंगेज। दोस्तों, ये औरत देख नहीं सकती। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन ने भी लोगों को हैरान कर दिया था। मेकअप से इसकी स्किन को बिल्कुल चेंज कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि इस पर इस तरह से मेकअप अप्लाई किया गया है कि इसका चेहरा ही तब्दील हो गया है। ऐसा नहीं है कि ये पहले बुरी लग रही थी, लेकिन मेकअप के जादू ने तो इसको कुछ और ही बना दिया है। दोस्तों, इस औरत की हालत भी काफी खराब है। ये रोमानिया में रहती है। सड़कों पर रहने की वजह से ये नहा भी नहीं सकती थी, लेकिन फिर इसको भी ट्रांसफॉर्म किया गया। अब मुझे मेकअप का उतना पता तो नहीं है, लेकिन थ्रेडिंग और मेकअप वगैरह करने के बाद ये औरत तो बिल्कुल ही तब्दील हो गई। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेकअप और ग्रूमिंग से वाकई में इंसान तब्दील हो जाता है। दोस्तों, ये अगली वीडियो आपको हैरान कर देगी। ये वीडियो इंडिया से है, जहां एक लड़की जो कि एक नर्स है, एक सैलून में गई। पहले तो इसके बालों को ट्रांसफॉर्म किया गया। दोस्तों, उसके बाद इसके चेहरे पर मेकअप अप्लाई किया गया। जैसा कि मैंने कहा कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि यहाँ हो क्या रहा है, लेकिन मेकअप से किस तरह से इंसान को तब्दील किया जा सकता है, ये हैरत अंगेज है। आप इस लड़की की ट्रांसफॉर्मेशन देखें। दोस्तों, फिल्म्स में एक्टर को जॉम्बी किस तरह बनाया जाता है, ये भी हैरत अंगेज है। पहले तो इस लड़की की स्किन टोन को सेट किया गया और फिर इसके चेहरे पर एक मास्क पहना दिया गया। फिर बारी आई इस मास्क पर मेकअप अप्लाई करने की और आहिस्ता आहिस्ता ये लड़की जॉम्बी बनती जा रही थी। आप देख सकते हैं कि फिल्म्स में ऐसे कैरेक्टर्स का मेकअप करना कितना मुश्किल काम होता है। यहाँ हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखा जाता है। इस लड़की के हाथों पर भी मेकअप अप्लाई किया गया और फाइनली इसको विग पहना दी गई। इंतहाई हैरत अंगेज। और आखिर में इस लड़की को देखें, जिसने खुद पर मेकअप करके खुद को ही एक जॉम्बी बना लिया। इसने सबसे पहले अपने मुंह पर लेटेक्स नाम का सब्सटेंस अप्लाई किया। इसके बाद इसने टिश्यू पेपर फाड़कर इस जगह चिपकाना शुरू कर दिया और फिर बारी आई मेकअप की। इसने मेकअप से अपने चेहरे पर टिश्यू और लेटेक्स का एक मास्क सा बना लिया और फिर इसको कैंची से काटना शुरू कर दिया ताकि ये एक मुंह की तरह बन जाए।
दोस्तों इसने अपने मुंह पर फिर से मेकअप अप्लाई किया और फिर एक रस्सी को अपने मुंह पर लगे उसी मास्क के अंदर लगाना शुरू कर दिया, जैसा कि ये इसके दांत हों। फाइनली इसने फेक ब्लड अपने ऊपर गिरा लिया। इंतहाई क्रिएटिव। दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।